नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं और गाजियाबाद से आई खबर की बात करते हैं। पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी कल्लू पंडित गिरफ्तार बताया जा रहा है। पार्किंग के विवाद में कल्लू ने एक शख्स की हत्या की थी। हत्या के मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश है पुलिस को, लेकिन फिलहाल बड़ी कामयाबी ये कि गाजियाबाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है जो पार्किंग के विवाद में एक हत्या को अंजाम दे चुका है। वो ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। जो व्यक्ति घटना किया उसको, उसकी पहचान कल्लू पंडित उर्फ चिरंजीव शर्मा के रूप में हुई थी। इसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी। किला मोड़ पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पूछताछ में इसने बताया कि गाड़ी पार्किंग को लेकर के वहां इससे विवाद हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा था कि ये इसने ईंट से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई थी। अब बात आगरा की, जहां नशे में धुत वर्दीधारी सिपाही ने हंगामा किया और इतने नशे में था कि दो कदम चल भी नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, राहगीरों से गाली गलौज की। इसी दौरान किसी राहगीर ने यह करतूत का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सिपाही का नाम नवनीत बताया जा रहा है। ये एरिया है आगरा का बोदला क्षेत्र, ईंट मंडी तिराहा। तो देख रहे हैं आप, नाम बताया जा रहा है सिपाही का, ड्यूटी पे हैं लेकिन दो कदम चलने की कंडीशन नहीं है। और तो और लोगों को धमका रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पर किस तरीके से डैमेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कंडीशन ही नहीं है चलने की। अब बात करते हैं मऊ की। मऊ में कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। आग की वजह से दुकान में जितना सामान रखा था वो सब कुछ जल करके खाक हो गया। रानीपुर थाना इलाके के खुरहट बाजार का ये मामला है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों ने पाया कि दुकान से धुआं उठ रहा है और थोड़ी ही देर बाद धुआं के साथ लपटों को देखा गया। दुकान के भीतर आग लगी थी और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब बात करेंगे छठ महापर्व की। आज से छठ महापर्व की शुरुआत है। सूर्य की उपासना के पर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाय से होती है। नहाय खाय का छठ पर्व में खास महत्व है। नहाय खाय के दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं और सिर्फ एक समय ही आज बहुत ही सात्विक खाना खाया जाता है। तो आज से छठ की शुरुआत हो गई है। बड़ी लंबी तैयारी होती है और शुद्धि के साथ, साफ सफाई के साथ आज से नहाय खाय से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन जितने भी व्रत करने वाले लोग हैं सबसे पहले अपने घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा करके छठ के लिए तैयार कर लेते हैं और शरीर को तैयार करते हैं। नहाए खाए में सात्विक भोजन ग्रहण करके उसकी तैयारी अब पूरी कर ली गई है। आज से नहाए खाए की शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि शुद्धि का पूरा काम कर लिया गया है और नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत हो जाएगी। बहुत कठिन व्रतों में एक माना जाता है जिसकी शुरुआत आज नहाए खाए से ही होगी और इसकी तस्वीरें, इसकी तैयारी बड़े दिन से की जाती है, लेकिन ये तैयारी कहां तक पहुंची है ये भी हम समझेंगे। तो इसी तैयारी को समझने के लिए चलिए हम सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का, जहां हमारे तमाम सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हैं, वाराणसी से नीतीश हैं, लखनऊ से अनुभव हैं, मेरठ से सनुज हैं। और चलिए घाटों का ही रुख करेंगे, जहां घाट नजर आ रहे हैं काशी के, वहां किस तरीके की तैयारी है इसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी नीतीश के पास होंगी। और नीतीश, ये बताइए कि तैयारी तो बड़े लंबे वक्त से की जाती है, दीपावली के टाइम से ही लोग सफाई में लग जाते हैं ये मान करके चलते हैं कि घाटों को भी चमकाना होता है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं और व्यवस्थाओं के मद्देनजर कैसी रिपोर्ट है? पहले व्यवस्थाएं जो है वो दिखा देता हूँ। चारों ओर आप देखिए, इस समय मैं शास्त्री घाट पे मौजूद हूँ और साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। चूंकि स्वच्छता का ये पर्व भी कहा जाता है, सूर्य उपासना का पर्व है, लेकिन जो शास्त्री घाट है यहाँ पर इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है। आप देखिए यहाँ पर ये जो वेदियाँ बनाई गई हैं, जो स्थान कहते हैं कि कवर किया जाता है, इस बार यहाँ पर कुछ VIP कल्चर, क्योंकि नाम के साथ पद भी लिखा मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर VDA लिखा आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसके पीछे आप आइए तो यहाँ पर नीरज पुलिस RTO, ये देखिए
यानी जहाँ पर ये लोग हैं उसको भी दर्शाने का प्रयास है। तो इसे हम कह सकते हैं कि आस्था के साथ यहाँ वीआईपी कल्चर भी दिखाई अच्छा? दे रहा है। ये देखिए, अच्छा ये बताइए और नीतीश, इसके आगे अब आपको हम और आप तस्वीरों को दिखाते दिखाते जरा मेरे सवाल जिज्ञासा जाग रही है कि इसे घाट छेकाना कहते हैं क्या पूर्वांचल में? नाम लिखने से कोई और नहीं आएगा, ये श्योर है? जी यही 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 दर्शाना है कि जरा सा हमको भी जान लें कि हम कहाँ हैं, हम कचहरी में हैं, हम वीडीए में हैं और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी है और आरटीओ में भी है, ताकि जो घाट हमने कवर किया है, जो घाट हमने छेक रखा है, वहाँ पर कोई और अपना आधिपत्य स्थापित न कर पाए। ये पूरी जगह हमारी है, इसको पूरी तरह से यहाँ पर कलर करके और बता दिया गया है कि ये हम हैं और इधर ना आए, क्योंकि हम इन विभागों से ताल्लुक रखते हैं। तो पूजा के नाम पे अपने आप को वीआईपी दर्शाने का पूरा प्रयास है और घाट पर अलग अलग जगह पर ये देखिए, यहाँ पर अजय वन आलोक 1-2 वीडियो आप देखिए, ये भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही और भी तस्वीरें दिखाता हूँ, हर जगह आप देखिए, यहाँ तो पूरी अजय बिहार कॉलोनी को दर्शा दिया गया है। और बगल में मजिस्ट्रेट लिख दिया, तो क्या ये ऑथेंटिकेट कैसे कर रहे हैं लोग, मानेंगे कैसे? स्नेहा देखिए, अगर कोई आम श्रद्धालु है और आम श्रद्धालु यहाँ पर आता है, साधारण व्यक्ति है, तो अगर वो जान जाएगा कि फला जगह के हैं, तो फला जगह की ये जगह है वो कवर करके रखे हुए हैं, उसके पीछे थोड़ी दूरी पर जगह बनाए, यानी हम तैयार हैं और आप थोड़ा दूर रहो। ये देखिए, देखते रहिए, ये देखिए पूरे घाट पर इस बार नाम के साथ पद भी लिख दिया गया है कि कहाँ कहाँ हम हैं और आप इसको समझते रहिए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा का पूरा। तो इस बार जो पूजा है, पूजा पर अमूमन आप देखती होंगी, आपके हमारे घर में सभी के यहाँ पूजा होती है, तो सिर्फ नाम हल्का सा लिख दिया जाता है और चूंकि सभी को यहाँ पर घाट पर आना होता है, तो कोई जगह का कवर करना ऐसा होता नहीं है, सब घाट सबकी संपत्ति है। और लेकिन हाँ, ये यहाँ पर छठ का पर्व है और देखिए पूर्वांचल में तो कुछ इस ऐसी कंडीशन है कि घाटों पर जिस तरीके से पूजा करने के लिए भी लोगों की भीड़ रहती है कि अपना अपना घाट छिका रहे हैं। आइए पूर्वांचल से थोड़ा अवध की ओर बढ़ते हैं, लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव है, वहां पर भी बड़ी धूमधाम से छठ मनाई जाती है, जहां पर आप मौजूद हैं। अनुभव, व्यवस्थाएं कैसी? देखिए बिल्कुल, ये लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हुआ है, 4 दिनों तक चलने वाला ये हम कहें कठिन व्रत है, कठिन तप है और आज पहला दिन है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। ये लखनऊ में हम गोमती नदी के किनारे जो छठ घाट है वहाँ पर मौजूद है और आप ये देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जो वेदी बना रहे हैं, यानी जब अगर हम कहें 30 तारीख को जब ढलते सूर्य को अर्घ देंगे, यहाँ स्नान करेंगे तब, और जब 31 तारीख को उगते सूर्य को जब अर्घ देंगे तो परिवार को उनके कोई दिक्कत ना हो। वेदियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, कुछ तो परमानेंट हैं आप देखिए, कुछ टेम्परेरी तौर पर जो है वो बनाई जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें काफ़ी साफ सफाई यहाँ इस घाट पर नज़र आ रही है, नगर निगम के भी लोग हैं, लगातार पूरे घाट को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 4 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, भोजपुरी कलाकार आते हैं, गाने गाते हैं, छठ से जुड़े, छठी मैया से जुड़े गीत संगीत होता है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। खासतौर से प्रभुनाथ राय जो हैं वो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुँचते हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, बृजेश पाठक पहुँचेंगे, तमाम सारे और मंत्री भी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम कहें कि व्यवस्थाएं अच्छी नजर आ रही है और साफ सुथरा घाट दिखाई दे रहा है, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है और बिल्कुल बेदी बत्ती दिखाई दे रही है। छठ की जो छटा है वो अभी से महसूस होनी शुरू हो गई है। चलिए हम थोड़ा पश्चिम की ओर आते हैं, मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज जुड़े हैं, जरा उनसे पूछे कि मेरठ में कैसी तैयारी है। सनुज, देखिए सूर्य उपासना के सबसे बड़े महापर्व छठ का आज से शुभारंभ हो गया है और नहाय खाए के शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं मेरठ के गगोल तीर्थ पर हूँ और देखिए गगोल तीर्थ पर किस तरीके से यहाँ जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, जो साफ सफाई का काम है वो अंतिम दौर में यहाँ पर चल रहा है और जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। देखिए ये गगोल तीर्थ वही है जो ऋषि विश्वामित्र जो थे उनकी तपोस्थली थी और यहाँ पर उनकी यज्ञशाला हुआ करती थी। चूँकि मेरठ का जो नाम है वो पहले मैदानव के नाम पर महाराष्ट्र हुआ करता था और मैदानव यहाँ आकर जो विश्वामित्र हैं उनकी तपोस्थली पर यहाँ जो यज्ञशाला चलती थी उसमें विघ्न डाला करते थे और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब यहाँ आए तब उन्होंने जो राक्षसों से इस धरती को निजात दिलाई और उसके बाद उन्होंने जो एक तीर मारा था जमीन में और उसके बाद जो ये सरोवर है ये सरोवर यहाँ पर
तप से लगातार बताया जाता है कि इसमें तप से पानी है और आज तक ये पानी चला रहा है। और यहाँ पर जो छठ महोत्सव है वो मनाया जाएगा, जो छठ की पूजा है वो यहाँ किनारों पर की जाएगी। ये देखिए कि लोग यहाँ आज सुबह सुबह जल्दी आए थे, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी नाम इन लोगों ने अपने लिख दिए हैं। देखिए अरविंद है, आदित्य है, अभिषेक है, छठ पूजा अभिषेक, छठ पूजा, ये देखिए तमाम लोग आके अपने अपने वो बना गए हैं कि यहाँ के हम लोग पूजा करेंगे और हमारे इस स्थान को यहाँ पर ना किया जाए। ये देखिए एक शख्स ने यहाँ लिखा है अपना नाम, हरिओम, डोंट रिमूव दिस लाइन, पूजा करें बिना टेंशन दिए। उन्होंने पूरा ये कवर करके एक अपने परिवार के लिए पूरा स्थान यहाँ पर बना दिया है। और चारों तरफ देखिए कि किस तरीके से यहाँ साफ सफाई यहाँ पर नजर आ रही है। मेरठ नगर निगम की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है। पिछले कई दिनों दिखाई दे रहा है, सफाई का काम चल रहा है, लोगों ने अपने घाट पर अपने स्थान पर नाम लिख करके भी दिखाया और बड़ी प्यारी तस्वीरें आ रही है, छटा भी दिखाई दे रही है। आइए प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, संगम पे, जहाँ संगम पे भी लोग छठ के लिए तैयारी, वहां पर तो हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है संगम स्नान करने वालों की मोइन, लेकिन छठ को लेकर के कैसी तस्वीरें हैं? देखिए आपको बता दें कि सूर्य उपासना का चार दिनों का छठ पर्व आज से शुरू हो गया है। आज नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई है, कल खरना होगा, परसों डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 31 अक्टूबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ इस पर्व का समापन होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। छठ पर्व को लेकर प्रयागराज में जो व्रती महिलाएं हैं, जो उनका परिवार है, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल मोइन, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी हम आपको हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं पटना। जितने भी व्रती हैं जो या उनके जो परिजन हैं बहुत उत्साहित हैं इस